दावर्स है, वापस आ गए। अच्छा, अब हम जरा सीरियस एक सवाल करना चाह रहे हैं बिंदिया जी से कि बिंदिया जी एक हमें स्केच जो है वो प्रॉपर हमारे सामने दे दीजिए। शायद हम आपको समझा नहीं पाए। हमने कहा था कि कोई अपाहज भी अगर होगा, हमने बाद में सोशल काम बड़े करने, हम उसको व्हील चेयर उसकी ड्राइव करके ले जाएंगे, वो साथ चला जाएगा। लेकिन इनके पास एक हल है, कोई भी आम सी लड़की से जो ज़रूरतमंद हो उससे कर सकते हैं शादी, जो बच्चे पाल ले। हम इस वक्त ना पैदा कर सकते हैं ना पाल सकते हैं जी, एक तो लंबा जी 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 बात ये है कि मैं आगे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है बच्चे पैदा करने की। नहीं, पर पालने तो है ना, तीन बच्चे बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, आप उसकी टेंशन ना लें। क्यों ना टेंशन लें, कौन पालेगा? अच्छा, वो बच्चे पालने के लिए हमारे पास आया है। हाँ। नहीं नहीं, लेकिन अगर हम वहाँ होंगे तो हम चाहेंगे कि हमारी सरपरस्ती में हमारे अंदाज से पले, हाँ, ना कि आयास पले आया कि पले बच्चे का नफसाती तौर पे सही। आप देखें, बात ये है कि जब बच्चों का मामला होगा तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चों से मिलना चाहेंगी तो आप मिल सकती हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। हम ऐसी औरत नहीं है, ना ही एक ऐसा ममता है हम में कि एक से शादी हुई है बच्चे हैं तो हम क्या नहीं बच्चे उधर ही रहे, मरना दिखाओ बच्चे। ऐसी औरतें भी जालिम होती हैं बच्चों पे, जो बात यह है कि ये ऐसा होगा नहीं, हमारा जमीर हमें गवारा नहीं। आप रजिस्टर में लिख लें जी और ये फैसला बिंदिया जी बाद में कर लेंगी कि ये चाहिए रिश्ता के नीचे। जी मैंने लिख लिया वैसे। उसकी वजह के चार बच्चे वो नहीं पाल सकती, पैदा उन्होंने करने नहीं, तो शादी किस लिए? और अगर शादी करेंगे आबिद साहब, अच्छा तो हम डेफिनेटली पालेंगे। जरूरतमंद लड़की को ले। अच्छा बिंदिया जी, हमें काफी मेल्स आ रही है, पीछे मैसेजेस आ रहे हैं, उनका जवाब थोड़ा सा देना पड़ेगा कि आपने अभी कहा कि मैं जो हूँ व्हील चेयर पे, कोई आया हम उनकी व्हील चेयर चला के चले जाएंगे, उनसे शादी कर लेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी एक आए थे जो बहुत दूर से आए थे और जो खिलौने बनाते थे, वो तीन पहिए की साइकिल व्हील चेयर पे, एंड ही वाज वेरी स्वीट। तो आप उनका बता दीजिए कि आपने उनका एक माइंड में रखा हुआ है कि आपका खिलौना भी रखा हुआ है अपने कंप्यूटर पे। क्यूट। और ऐसी कोई बात नहीं कि हम उसे ना करें, जब होगा फिर हमारा बेटा बीच में बैठेगा। ये आपका शो ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा, ये शामियाने बजे और शादी होगी। देन माई सन, यू कैन टेक हिम ऑन कॉल इफ ही कैन कम टू माई फ्रॉम अमेरिका, फिर जब तौर पर आएगा आपके साथ बैठेगा। आप उसको तो आप अगर कहें तो हम उनको दोबारा इन्वाइट करें? नहीं, अभी तो इस वक्त नहीं आ सकते। जब फाइनल कुछ होगा तो उसके नंबर हम देंगे, कॉल पे आएगा, उसकी आवाज़ से आपको पता लग जाएगा वो भी कितना। एक्चुअली बिंदिया जी, हमने इसी वीक फ्राइडे तक आपकी शादी करानी है, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम कैसे इसी लोगों को शादी करानी है? आबिद साहब कोई सही मिलेगा तो शादी होगी, तो हम उनको बुलाते ना शो पे, जैसे आपने कहा ये टारगेट आप हमें बता दो, सही बताएं हमें, फिर हम उसको बुलाएं। है कि ये एक पीरियड इन्होंने दिया एक हफ्ते का जी, हमें फ्राइडे तक शादी करनी, फ्राइडे तक करानी है, उसके अंदर अंदर आपने ढूंढना, अगर नहीं हुआ तो फिर शादी नहीं, फिर नहीं होगी, फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, हमने रिश्ता प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम पर्सनल कॉल्स बहुत आ रही हैं, फिर वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। हां फिर आप खुद ही कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, नहीं खुद ही नहीं, सब इनके मिलके, इनके मिलके, ये तो हफ्ता जुमे तक है। प्लानिंग्स बदल जाती हैं, देखें ऐसी नहीं बात होती, शादी है कि गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं ये है। प्रोग्राम इस तरह चलाते रहे साल चलता नहीं 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 साल नहीं, रिश्ता तो सिलेक्ट करना है बिंदिया जी, एंड शी इज वेरी सीरियस हियर। देखें फिजा, अगर आपके रिश्ते आने होते तो आपके लिए दो हफ्ते में आ जाए, रिश्ता में शादी करानी किस तरह डंडे चोटे के करा सकते हैं जब तक सही रिश्ता ना आए, तो इट टेक्स टाइम, हो सकता है कल ही रिश्ता अच्छा आ जाए। मगर माशाल्लाह से जैसे 4,000 अबव हमें आए हुए रिश्ते, मोर देन 5,000, 5,000 से ज्यादा हमें रिश्ते आए हुए हैं, कोई अरबी है कोई बिजनेसमैन है, ज्यादा नहीं आया उसमें। तो अब वो बिंदिया जी फाइनल करेंगे तो हम यहाँ पे फिर इंशाल्लाह, अभी तक तो 5-6 ही सामने आए। इनका क्या इनके मुकद्दर का क्या फैसला हुआ आज? इनके मुकद्दर का सिकंदर जो है अब बताते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी जो है अफशा ज़ैबी, जरा आप कुछ सवाल करना चाहती हैं तो कीजिए, आपको कैसे लगे ये साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे कुछ ब्याह करना चाहते हैं बिंदिया साहब, बस क्या ख्याल है आपका? आप क्यों इनसे शादी करना चाह रहे हैं? लो जी, अच्छा सवाल है, क्यों? ये तो ये कर चुके हैं कि क्यों करना। अच्छा चलिए दूसरा सवाल, बात यही है ना कि आप क्यों करना चाहते हैं? आपको अगर शादी के लिए तो आप घरेलू कोई हाथ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जवाब, अच्छी लगी है हमें प्रोग्राम देखा तो। हाँ जी, मैंने इनका प्रोग्राम देखा और इनको देखा और इनका फेस देखा और इनका मुझे ये बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी आपके दिल पे लगी इनकी आवाज, इनकी आवाज ऐसे जैसे कोयल की आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज है इनकी। कितने सुनी तुझे? अच्छा आवाज की वजह से आपको पसंद है। इनका चेहरा कितने, इनका कद अच्छा। बिंदिया जी आप हमें बता दें, आपको ये रिश्ता कबूल है या माजत करना चाहेंगी? वहीं पे हम चाहेंगे आप नजरसानी करें और कुछ लड़की ऐसे देखें, बड़ी मजबूर लड़कियां होती हैं जो बच्चे भी देखें। हम जैसी औरत अगर घर में होंगे तो आपके 12 बच्चे भी होंगे तो हम कहेंगे इनको हमारे वाले करें, आप जाएं।
ओके, हम तो डेफिनेटली उनको पालेंगे, अभी टाइम नहीं है। अच्छा मैं चाह रही थी आपके अलावा जी को भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी कहना। अच्छा अपना आप हजारा से आई हैं? जी सर। अच्छा ये जो पिंडी के नजदीक कोई जी बिल्कुल सेहत अफसा जैसे वो मकाम है, आपकी शक्ल भी सेहत पिंडी के छाछी है ना, वो और चक्कर है तो ये तो वो वहाँ के लोगों की एक जी बिल्कुल जैसे पठान होते हैं या भट्ट होते हैं कश्मीरी, तो इस तरह का वो उनका बात है। वो पठान ही है वैसे, अफजल खान उनका नाम है, डैम्बो खान। तो ये तो शक्ल देखे ना, हजारा सैयद अफजा खूबसूरत है वैसे। क्या बात है जी, पहाड़ी है, गाती भी अच्छा है। हेलो, इनको चांस मिलना चाहिए। मेरे साथ रिश्ते नहीं आए, हजारा से भी आ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने हजारे वाले से कि वो भी रिश्ते भेज दें। आए हुए हैं ना जी? आपके अब्बा भी आए हो? मेरे अब्बा, मेरी अम्मी से मरवाना है आपने मेरे अब्बा को? नहीं, वो भी बीवी छोड़ के आए जाने थे, तो ताड़े अब्बा भी आएंगे। उनकी नाराज होगी की हुई है ना, मेरी अम्मी मेरे घर पे ही है, कोई नाराज नहीं हुई। अच्छा जी, वक्त हो चाहता है कि हम अपने प्रोग्राम को अब इख्तिताम तक लेकर जाए। चौंकी ले आए, बड़ा ही लंबा काट गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, एटलीस्ट आपने अपना ख्याल जो है यहाँ पर आके जाहिर किया। और आपका इंटरव्यू किया आबिद काश्मीरी साहब ने, ये आपके लिए बहुत बड़े क्रेडिट की बात है सीरियसली। तो बिंदे जी आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया फरादीवा जी, बहुत बहुत स्वीट ऑफ यू कि आप लोग आए, थैंक यू। मगर आप इस तरह से जान नहीं छुड़ा सकती, आपने आखिर में हमें गाना भी सुनाना है, ठीक है? पहले अपना नारा लगाइए। ये नहीं, मैं नहीं, मैंने आपको खड़ा इसलिए किया कि आज मेरे प्रोग्राम की एंडिंग आप बोलेंगे और खुदाफिज भी आप बोलेंगे। हम शादी करने के लिए बैठे हुए हैं बिंदिया जी की, किसी अच्छे बंदे के साथ जो निभा कर सके, जो प्यार कर सके, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, आप यहीं रहिए। अभी वो अफशा जी आपको गाना सुनाएंगी, उसके बाद हम और आप अपने अपने घरों में जाके नाश्ते करेंगे। तुसी भी पाए ना, निकल जाओ पेंड से, रिजेक्ट हो जाता। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, बस यही।